आ चुका हूँ कॉलेज में वेरिफिकेशन। ये है संतोष केटी। एक केटी दो केटी आशीष। हाँ केदारनाथ का फोटो है ये। केदारनाथ जाकर आ चुका हूँ। अपना नाम नहीं यार, पूरा एड्रेस बता दिया यार। हेलो जी, हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज है 15 जून। तो अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज एडमिशन फॉर्म वेरीफाई करने और एडमिशन लेने। तो फटाफट मैं निकलता हूँ क्योंकि मेरा भाई और मेरा फ्रेंड वेट कर रहे हैं मेरा। तो मैं अब डायरेक्ट मैं आपको मिलूँगा डायरेक्ट कॉलेज में। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि TY, FY, SY सारे बच्चे सब एक ही लैब में आ रहे हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी फटाक से चलता हूँ मैं कि और लेट ना हो जाए। शायद 10 बजे की ओपनिंग टाइमिंग है लैब की, तो मैं फटाफट अभी निकलता हूँ 9:30 बजे। तो मिलता हूँ मैं आपको कॉलेज पर। तो भाई साहब वेलकम, और मैं आ चुका हूँ अब कॉलेज में, और कॉलेज एकदम खाली है, भीड़ नहीं है। ये क्या गिनी चुनी 10-12 है। तो इससे मिलो, ये है संतोष, नाम है संतोष, बाकी बिल्कुल संतोष नहीं है इसकी ज़िंदगी में। हमेशा कुछ ना कुछ अड़चने आते रहती है। और इससे मिलो, ये है मेरा भाई अविनाश, पीछे देखना पोज ऐसे मार रहा है जैसे लगता है हंसी आ जाएगी। अभी देख लिया मैं, तेरा व्लॉगिंग खराब हो जाएगा। सुना आप लोगों ने, मुझे कितना डीमोटिवेट करता है ये। डीमोटिवेट साला चलता है मुझसे। हाँ, मुझे मोटिवेशन के लिए आप अच्छे अच्छे कमेंट करो। ये देखो, बिना नहाए आया है ये कॉलेज। चलो अभी हम ऊपर चलते हैं। मेरे को लग रहा है ज़्यादा ही भीड़ पक्का नहीं है क्योंकि कॉलेज इतना खाली खाली लग रहा है। नैनी लोग नहीं आए हैं। हाँ, नैनी लोग भी भीड़ होती। ये भी सही। तो चलो मैं आज आपको लेके चलता हूँ BNN के। जीत डालेगा ये देख। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो भाई साहब वेलकम। बहुत अच्छी बात है कि सर टीचर सब लोग आए हुए हैं, बट वो नाश्ता कर रहे हैं, और सबसे पहले हम चाह रहे हैं वो वाइट वाला भाई, अननोन है, मैं जान नहीं जानता कौन है। वो भी एडमिशन के लिए आया हुआ, वेरिफिकेशन के लिए, और हम तीन, मैं, संतोष, अविनाश। तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा है, हम लेट नहीं आए। क्या बोला, क्या हुआ, कितना केटी लगा? दो दिन की। किसमें किसमें? इसमें नहीं लगा। इसमें किसमें? जिसमें लगा था उसी में लगा। किसमें? इसमें निकल गया। इस बार पास है? हाँ। अरे भाई केदारनाथ गया था ना, इसलिए पक्का पास हो गया। क्या बोला, कौन बोले इसको केटी ले दिए? राजीव अमन की रवि को केटी ने। मेरे घर वाले खुद है। अभी 9.0 ये तो ऑनलाइन दिया था, 9.60 ऑनलाइन में तो कर दिया था भाई। 8.75 ऑफलाइन। धीरे धीरे औकात आ रही है। अब औकात आ गए। केटी एक केटी, दो केटी, तीन केटी, चार केटी, दो केटी, दो केटी। अरे भाई मेरे से भी ज्यादा लाया रे तू। तो 6.9 आया मेरा। मेरा दोनों से ज्यादा आया सर। इसका बैनर छापा नहीं रहा दोस्त। इसी नाम पे हम क्लास में 2 बेंच तोड़ेंगे। कैमरा देखते ही बच्चे केदारनाथ ट्रिप कैसा रहा वो बता दो। मतलब बढ़िया रहा ऐसा, मतलब ठंड से ठंड आते हैं वहाँ पे। दो बेंच पैदल गया था कि घोड़े से पैदल लौट। दो तीन दिन बाद चालू है। अभी पैदल का भैंस लौटे लगे माँ कसम 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर। तो 22-30 पकड़ के चले। टोटल 22-23 जो है खर्चा की चढ़ाई है। 15 से ऊपर लेके चलना। 1500 की 15000 1500 में बोल ट्रेन के टिकट लेते देखो भाई केदारनाथ का फोटो है। अबे नहीं, उसके पीछे पहाड़ है। इसके कुछ कर्म अच्छे हैं इसलिए ये केदारनाथ जाकर आ चुका, भोले बाबा के दर्शन कर लिया इसलिए। केदारनाथ का कड़ा
अबे वहाँ सब चीज़ नमस्कार 80 रुपए का बिस्लरी हाँ कुछ मस्ती नहीं सबसे अच्छे से काम वाम कर रहे हैं सब कुछ ऐसे था आते थे कॉलेज आए तो आए कब आए मालूम है कॉलेज स्टार्ट होने के 2 महीने बाद आए फिर पीछे क्या चालू था एक दिन लेक्चर अच्छे से लिया सेकंड दिन चाय बिस्किट नमकीन वमकीन क्लास में लेके बैठे वीडियो है बस मैं देता हूँ वीडियो है वो बस पी रहे हैं किसी से बकचोदी कर रहे हैं कोई मैम चिल्ला रही तो मैम के ऊपर चढ़ रहे हैं के ऊपर तुम लोग चढ़ रहे हो ये देखो नीचे से देखोगे तो आपको ऐसे कोई लड़की लगेगी और ऊपर से देखो तो ये लड़का है असलियत सामने आ गई अब इसे मैं क्या कहूँ कितना क्या माल है यार चलो भाई वेरिफिकेशन देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा लाइक ठोकी दबा के लाइक ठोकी तो भाई वेरिफिकेशन हो गई तो अभी हमारा वेरिफिकेशन हो गया तो फिर चलो अब हम निकलते हैं नीचे की तरफ अगर कोई मिला तो रुकेंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे ब्लॉग में आपको मैं कंटिन्यू कर दूँगा यही खिड़की ये आगे वाली खिड़की है दोनों क्लास में तो बैठे छे महीने ये अबे संतोष नया बोर्ड लग गया ये हमारी बेंच है लास्ट के हाँ वो लास्ट में हमारी बेंच थी हम लोग वहीं वो 1 2 3 4 5 ये 5 बेंच पे हमारी ग्रुप बैठती है मैम लोग लेक्चर यहाँ से लेते थे और एक क्लास हमारा पीछे है चलो वो देखो यहाँ पे कुछ लिखा है बेंच पर क्या लिखा है नासिर ये देखो कॉलेज कैंपस देखो ये नीचे अभी तालपत्री लगा दिए क्योंकि सीजन आ गया है बारिश का और नीचे बहुत लंबी लंबी लाइन लगेगी अब 2-3 महीने तक बहुत सारे गिफ्ट्स है मतलब भीड़ इतनी है ना कि खत्म ही नहीं होगी हाँ भीड़ बहुत ज्यादा और बीएनएन का रूल है जब एडमिशन कराने आए आपका एक हफ्ता तो जाएगा ही देखा हमें बोला था ना कि बीएनएन में एडमिशन कराने यानी भाग दौड़ है ही ये देखो इसने भी बोल दिया कि बीएनएन में एडमिशन करने आए तो एक हफ्ता जाएगा अरे उस दिन मुझे रिजल्ट लेने में ही 3-4 जगह लोकेशन दौड़ना पड़ा था और अभी अरे भाई वो बायोलॉजी का लैब नहीं था बायोटेक्नोलॉजी का लैब था तू गलत लैब में गया था अच्छा तो मेरी गलती चलो कोई बात नहीं मुझे माफ कर दिया आप लोग सारे लेकिन फिर भी पता है इसका यूट्यूब पे देखा मत चल जाने तो देखा ये हमारी क्लास थी पीछे और ये खिड़की देख रहे हो ना खिड़की ये खिड़की से हम लोग यहाँ से कूद के भागते थे जब मैम पीछे अपना सर घुमाती थी बोर्ड की तरफ तो हम लोग यहाँ से भाग जाते थे बोर होता था तो और ये हमारा मेन क्लास ये हमारा पूरा मेन क्लास है जब हम यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर यहीं पे थे फोर्थ सेमेस्टर के लिए उधर गए थे क्योंकि यहाँ पे हमारा बोर्ड टूट गया था यहाँ का बोर्ड नहीं था तो हम हमारे पास यहाँ पे डिजिटल सिस्टम ये डिजिटल सिस्टम देख रहे हो ना उसके लिए यहाँ पर बोर्ड नहीं है त्याने आम्ही लोक त्या क्लास मध्ये शिफ्ट झालं होता थोड़ी बहुत तुटी फुटी मराठी बोल लेता हूँ ऐसा आपको लगता है बट मुझे मराठी एकदम बढ़िया से आती है तो हमारी इस क्लास में भी एकदम लास्ट बेंच पर ही वही सेम जगह रहती थी टी वाई फिक्स होता है लास्ट बेंच पर बस ऐसा मस्ती कर मस्त चांगला बने और देखो आपको प्रिकॉशन बताऊँ क्या इमरजेंसी नंबर पुलिस स्टेशन और इधर कपल्स के नाम है वो कपल्स वो नाम याद है मुझे वो नाम बता दो तू वीडियो में बता दो कोई इसका वो जो कपल्स के नाम थे वो लोग SY में पढ़ाई अपनी ड्रॉप कर दिए ना नाम बता दे तू उनका जरा नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ अच्छा वो आशीष रूपाली हाँ आशीष रूपाली चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ क्या है ना वो लोगों के पता है भाई हर सच्ची कहानी में जमाना दुश्मन बना फिरता है प्लीज बाबूजी मुझे जाने दीजिए
बाऊजी प्लीज बाऊजी बाऊजी। तो ऐसे यहाँ पे मैम लोग दुश्मन बन गए थे उसके, और फिर धीरे 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 घर वालों को पता चलता है, इसलिए वो जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। उन लोगों ने फैसला किया कि अब हम यहाँ पर अपनी छाप छोड़कर जा रहे हैं और अब हम चले जाएंगे, लापता हो जाएंगे इस दुनिया से, मतलब उनके अंदर शहर से। कि उन्होंने बोर्ड पे लिखा कि हम यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, चिट्ठी नहीं लिखी थी, बोर्ड बोर्ड पे लिख दिया अब हम जा रहे हैं, अब हम लौट कर नहीं आएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो देखो हमारी SY की फीस थी लगभग 29,995, हाँ ऐसा था, और 26.5 की 27 के आसपास आते थे, और विदाउट नो इंस्टॉलमेंट। वो अगर आप थोड़े गिड़गिड़ाएंगे माँ थोड़ा, मतलब वो दिखाते, भीड़ दिखाते, देखो पीछे भीड़ देखो जितनी दिख रही है ना, काले काले काले, ये पूरी भीड़ है यहाँ पर। वो जादू था, जादू जादू था, ज्यादातर वो सब एडमिशन के लिए, सब एडमिशन के लिए दौड़ रहे हैं। मत बे यार भाई, वीडियो चालू है साला, बेशरम बोला ना संतोष, बस नाम का है, बिल्कुल अंदर संतोष नहीं इसके। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो हमारी फीस है 29,995 रुपए, सिर्फ 5 रुपए शायद इसलिए छोड़ दिए कि हम 5 रुपए में चिक्की खा ले, 5 रुपए। हाँ ये देखो 5 की चाय, मतलब ये खुद हमको मतलब प्रोत्साहित करते, मोटिवेट करते कि बेटा तुम चाय पियो क्लास में, तुम अच्छे बच्चे हो, तुमको केटी नहीं लगेगी, केटी नहीं लगेगी, और जो चाय नहीं पीते उनको केटी लगी है। तो पता है कॉलेज आता जाता नहीं मैं, बस जब लास्ट का हुआ ना, फोर्थ सेमेस्टर में जब लास्ट टाइम आया ना कि मतलब अब कॉलेज जाना चाहिए, प्रैक्टिकल्स होने लगे, जब 75 का अटेंडेंस का था। हाँ, और पता है अटेंडेंस भी 75 नहीं था, हमको डराया गया था, थोड़ा बहुत झोल झाल करके, मतलब अच्छे से बातचीत करके सब कुछ हो जाता है ना, बस वैसे ही सिस्टम है। तो अभी आप हम कॉलेज से बाहर निकले, हाँ अभी भीड़ दिख रही है, ठंडे जा रहे हैं। चलो भाई अभी दोस्त जा रहा है जय श्री राम, इसको बाय करके हम भी निकलते हैं। जय श्री राम, चल संतोष हम भी चलता हूँ। जय श्री राम, तू भी चल रहा, ये मिलो, ये भी मेरा क्लासमेट है। CS वालों को डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री, बिल्कुल लाइन नहीं, खड़ा नहीं। नाम बता पहले अपना। अब्दुल्ला शमी, अब्दुल्ला शमी मंसारी। अरे इतना नाम नहीं यार, पूरा एड्रेस बता देगा यार तू तो यार। इतना लंबा नाम बता रहा हूँ? नहीं सर, नहीं सर, दिस इज ओनली माई पेट नेम सर। जूता निकलो साले, पेट। अब्दुल्ला ये भी अच्छा फ्रेंड है मेरा, ये भी मेरा सब्सक्राइबर है, मतलब क्लास में है तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है। पेपर में चिटिंग विटिंग जो पास करते एक दूसरे को, तो भाई अंदर जाना कुछ नहीं, मैम CS का हूँ, डायरेक्ट घुस जाना, और कोई कुछ बोले डरने का नहीं, बिंदास जाने का। तो फिर चलो भाई, अब मैं अपने साथ इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करता हूँ। आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और मैंने आपको अपनी हमारी क्लास दिखाई, और भाई क्लास अपनी बता दी जरा कैसी थी, दो पीछे बैठ कर क्या क्या करते थे सब बता दे दो, चाय कैसे पीते थे, मैम लोग को परेशान थे थोड़ा बहुत कर लेते थे वो सब बता दे दो, थोड़ा एक दो पार्ट बता जल्दी से। बोल रहे जाने दे यार, तू भी यार कैमरे पे बुलवा रहा है, कोई नहीं है, डर रहा है थोड़ा बहुत, बट टेंशन मत ले, मैं एडिट कर दूंगा। चलो तो फिर चलो भाई, टाटा बाय बाय, मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय श्री राम।